अंकित सर जी सर, हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था बच्चों के लिए, नीट के इतिहास में सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। जी सर, याद है। उस वीडियो में क्या था सर? उस वीडियो में ये था कि जो प्राइवेट कॉलेज की 50% सीट्स हैं उनमें भी फीस बहुत कम पड़ेगी और गवर्नमेंट कॉलेज की फीस पे ही पढ़ेंगे। जी, तो इनडायरेक्टली हम लोगों ने बताया था इतनी सीटें बढ़ गई। बिल्कुल अंकित सर, एक और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है नीट के इतिहास में, वो ये है कि जो यूक्रेन का संकट हुआ जी, जिसमें शाम को हम रोज न्यूज देखते थे, हमारे भी बहुत सारे बच्चे फंसे थे। बिल्कुल सर, एक अजीब सी त्रासदी जी, हमारे बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने जी, हमारे दिमाग में भी चल रहा था कि खाने की प्रॉब्लम, लैंग्वेज की प्रॉब्लम, पैसा भी लगता है। हमारे बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे देश में जा रहे थे। अच्छा, ऑलरेडी सरकार के दिमाग में ये था कि मेडिकल की सीटें बढ़नी चाहिए, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक में देखा था डॉक्टरों की इम्पोर्टेंस। और उसी कोरोना पेंडेमिक में एक काम और हुआ था कि जो बच्चे कहीं दूसरे शहर से थे उनको यूपी गवर्नमेंट को भी अपने यहाँ लाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी, जो कोचिंग वगैरह कर रहे थे। और इसीलिए सीएम योगी ने अभ्युदय योजना शुरू की। बिल्कुल सर। तो अंकित सर, मेरे भी दिमाग में ये चल रहा था, क्योंकि इंडिया में मेडिकल एजुकेशन महंगा है, बहुत सारे कंसल्टेंट के माध्यम से हमारे बच्चे बाहर जाते हैं और यहाँ पे इतनी बड़ी त्रासदी हो गई। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, इसके लिए सरकार को धन्यवाद कि बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। सरकार बहुत ही सेंसिटिव है। इसी सेंसिटिविटी के क्रम में पीएम मोदी का एक ट्वीट है, जरा सा ट्वीट देख लीजिए फिर आगे बताते हैं। एक वीडियो ट्वीट है सर, वीडियो ट्वीट है। आज हमारे बच्चे पढ़ने के लिए, खास करके मेडिकल एजुकेशन के लिए, दुनिया के छोटे छोटे देशों में जा रहे हैं। वहां लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, फिर भी जा रहे हैं। देश का अरबों खरबों रुपया बाहर जा रहा है। क्या हमारे प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ी मात्रा में इस फील्ड में नहीं आ सकते? क्या हमारी राज्य सरकारें इस प्रकार के काम के लिए जमीनों को देने में उम्दा नीतियां नहीं बना सकती है? आज हमारे बच्चे, तो अंकित सर जी सर, ये जब बात प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में आ गई, बिल्कुल सर, तो ये तो बात पक्की समझ लीजिए, मैं आज बता रहा हूँ कि मेडिकल के क्षेत्र में बहुत क्रांति होने वाली है और बहुत सारे कॉलेज खुलने वाले हैं, नए कॉलेजेस। और वैसे भी आप बता रहे थे कि यूपी के तो हर जिले में योगी जी अनाउंस ही कर रहे हैं कि कॉलेज खुलेगा। तो और इसमें फीस भी बहुत नॉर्मल रखी जाएगी जी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो प्यारे बच्चों, एक और ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि आप देखिएगा, बहुत जल्द अनाउंसमेंट होगा कि जो बच्चे इस मेडिकल की फील्ड में आना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो हो सकता है कि हमें अपने देश में मेडिकल की फील्ड में वो सारी सुविधाएं मिल जाएं जो बच्चों को बाहर मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए, मोदी जी ने जो वीडियो ट्वीट किया उसमें दो बातें कही हैं जी, कि एक तो हमारे बच्चों की लाइफ खतरे में, बाहर जाना पड़ता है, खाने की प्रॉब्लम जी, लैंग्वेज की प्रॉब्लम जी, और एक और हिंट किया मोदी जी ने कि हमारे देश का अरबों खरबों पैसा बाहर जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो पैसा कहाँ रुकना चाहिए? अपनी कंट्री में। तो मुझे लगता है बच्चों कि बहुत सीटें बढ़ेंगी, 2022 में बढ़ेंगी, 23 में बढ़ेंगी ये नहीं कह सकता, लेकिन 2022 में तो जितनी बढ़नी वो बढ़ी रही है। तो ऐसे सारे बच्चे जिनके दिल दिमाग में डॉक्टर बनने का सपना है, वो अब अपने देश में रह के बहुत अच्छी मेडिकल की एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, एक छोटी सी न्यूज थी, हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच बच्चों।